हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिल्पा भाटिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव यू गेव मी इन माय लास्ट वीडियो। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें कौन सा कैलकुलेटर लेना है। अगर आपने MBA कोर्स में एडमिशन लिया है, अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैनेडा वेस्ट से MBA करने वाले हैं, चाहे आप फाउंडेशंस ऑफ MBA में हैं या फिर आपका डायरेक्ट MBA प्रोग्राम है, आपको आज नहीं तो एक महीने बाद नहीं तो अगर आप फाउंडेशन हो तो 3 महीने के बाद आपको कैलकुलेटर लेना ही पड़ेगा। ठीक है, फाइनेंशियल कैलकुलेटर रहता है। अब जो बच्चे CA बैकग्राउंड से हैं, ऑलरेडी अकाउंटिंग बैकग्राउंड से, तो मे भी उनको पता रहेगा, बट स्टिल काफी बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं जब मेरा वीजा आ गया, मुझे पैकिंग करनी थी, उस टाइम पे ऐसे मतलब जो अनऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, ऐसे UCW MBA स्टूडेंट्स के ऐसे ग्रुप बने हुए थे, उसमें वो आपस में बात करते थे कि ये वाला कैलकुलेटर लेना चाहिए या वो वाला, जिसकी वजह से मैंने भी एक रिकमेंडेशन के थ्रू एक कैलकुलेटर खरीदा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वॉज अ वेस्टेज ऑफ मनी फॉर मी, बिकॉज मेरे को वो कैलकुलेटर बिल्कुल यूज ही नहीं आया। यहाँ पे उसमें सर्टेन कीज होते हैं, जिस वो सिर्फ 2 कीज की वजह से मेरा कैलकुलेटर जो मैंने लिया वो मेरे यूज का नहीं था, तो मुझे यहाँ पे आके दोबारा से नया कैलकुलेटर लेना पड़ा। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर आपको कैलकुलेटर लेना है तो कौन सा लेना है, ताकि मेरे जैसे आपके पैसे वेस्ट ना हो और ना ही आप परेशान हो कि आपको कहाँ से लेना है और कौन सा कैलकुलेटर लेना है। मोर ओवर मैं आपको बताऊंगी कि आप कहाँ से ले सकते हो और आपका कैलकुलेटर कितने का पड़ेगा। वो मैं इसमें आपको ये भी चीज बताऊंगी कि आप इसमें पैसे कैसे सेव कर सकते हो, मतलब देयर इज अ हैक जो मैंने यूज किया है, तो मे बी वो आपके भी हेल्प आए, क्योंकि बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि मैं कैसे कैसे सेविंग्स कर सकती हूँ, और मैं वही चीज आपको सजेस्ट करूंगी। मैं आपको वो चीज कभी सजेस्ट नहीं करूंगी जो कि आपके फायदे की ना हो, राइट? चलो फिर हम चलते हैं कैलकुलेटर खरीदने। आज हम कैलकुलेटर लेंगे, हमें पता चलेगा कि यहाँ के मार्केट कैसे दिखते हैं कैनेडियन। लेट्स एक्सप्लोर इट टुगेदर। हाय गाइस, जैसे मैंने आपको बोला कि मैं अभी आपको बताऊंगी कि फाइनेंशियल कैलकुलेटर आप कहाँ से ले सकते हो और आपको कितने का पड़ेगा, और कौन सा फाइनेंशियल कैलकुलेटर स्पेसिफिकली UCW के बच्चों के लिए सही है, क्योंकि मैं ये गलती ऑलरेडी कर चुकी हूँ जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो ये एक मार्केट है यहाँ पे जहाँ पे आपको सारा सामान मिल जाता है। तो जैसे मेरे नियर बाय 72nd एवेन्यू पे पड़ रहा था, ठीक है, सरी के आप, तो ये यहाँ पे ये स्टेपल स्टोर है, तो ये आपको हर रीजन में मिलेगा, हर एरिया में मिलेगा आपके, और ये पूरा मार्केट है। यहाँ पे लंदन ड्रग्स भी है, यहाँ पे आपका सबवे भी है। तो मेरा जो नियरेस्ट स्टोर पड़ रहा था वो 72nd एवेन्यू पे पड़ रहा था सरी के। तो आप कहीं पे भी, जैसे ये ग्रैनविल स्टेशन जाते हो अगर आप कॉलेज के लिए, वहां भी मिलेगा, मुराद स्टेशन पे, स्टेशन से उतरते ही मिलता है, ऐसे हर रीजन में आपको स्टेपल स्टोर मिलता है। आप ये सर्च कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी हम अंदर एंटर करते हैं। सारा स्टेशनरी का सामान मिल जाएगा और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। चलो एक्सप्लोर करते हैं साथ में। सो गाइस, यहाँ पे हम सारा स्टेशनरी का हमें सामान मिल जाता है, जैसे कि आपको नोटबुक्स चाहिए, पेन्स चाहिए, पेंसिल्स चाहिए, आपको यहाँ पे इनफैक्ट सारा इलेक्ट्रॉनिक का भी सामान मिल जाता है, जैसे अगर आपको लैपटॉप वगैरह चाहिए, आईफोन चाहिए, ईयरबड्स चाहिए। अभी हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्शन में जा रहे हैं, बट उससे पहले देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लैपटॉप बैग्स हैं, यहाँ पे अलग टाइप के आपको बैग्स मिल जाएंगे, अच्छी क्वालिटी के मिल जाएंगे। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे आप मग्स ले सकते हैं, बॉटल्स ले सकते हैं, मतलब काइंड ऑफ अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको आपकी नेसेसिटी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी तो यहाँ पे अगर आपको लग भी रहा होगा कि रेट ज्यादा है, बट आई मस्ट टेल यू कि अगर आप
आते हैं ब्लैक फ्राइडे सेल में लेते हैं जो आपका ईयर एंड में रहता है, तो उस टाइम पे आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत चीप पड़ रहे हैं कंपैरेटिवली इंडिया से। तो अगर आप लोगों के पास लैपटॉप नहीं है, दिस इज़ जस्ट माय सजेशन, और अगर आप प्लान कर रहे हैं आपको लैपटॉप चाहिए तो आप प्लीज़ यहाँ आके लीजिए। मतलब नॉर्थ, अगर आपको स्टेपल स्टोर से, मैं नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ आके लीजिए, बट कैनेडा से आके लीजिए। ये हम आ गए जैसे कैलकुलेटर्स के सेक्शन में। तो गाइज़ ये अलग टाइप के कैलकुलेटर्स होते हैं, ये नॉर्मल कैलकुलेटर है, ठीक है, ये नॉर्मल कैलकुलेटर्स रहते हैं, ये आपके जो इंडिया में भी मिलते हैं ये सारे कैलकुलेटर्स। अब जो हमारा कैलकुलेटर है जो हमें लेना है वो रहेगा ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेटर BA2+। ये आप देख लीजिए अच्छे से, ये राइट, ये आपका रहेगा डन। और यहाँ पे जो है आपको मिलेगा अराउंड $66 का, तो मैंने ये लिया था, ये पड़ा $59 का, उसके बाद इसमें टैक्सेस इंक्लूड हो गए तो वो $66 का पड़ा। अब एक चीज़ है जो कि मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी यहाँ पे, कि आप जो है अपने, अगर आप किसी ऐसे फ्रेंड के साथ रह रहे हो जिसके अलग दिन क्लासेस होती हैं, सेम डे आपके जैसे क्लासेस नहीं होती हैं, या अलग स्केड्यूल वो फॉलो करता है या करती है, तो आप उसके साथ भी मतलब ले सकते हो अगर आपको $66 स्पेंड नहीं करना, बिकॉज मैंने यही किया है, इससे आप थोड़े पैसे सेव कर सकते हो। मेरा हमेशा ऑप्शन यही रहेगा, मैं आपको कभी भी कुछ भी सजेस्ट करूंगी, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप कैसे पैसे बचा सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि कौन सा कैलकुलेटर लेना चाहिए, तो सिमिलरली मैं देखिए अपने लिए भी वो कैलकुलेटर लेके आई हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्लोज लुक दिखाती हूँ। तो इसका जो नाम है ये BA2+ है, और ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का है, और इसमें ये इम्पोर्टेंट कीज है लाइक NPV, आपका IRR, ये इम्पोर्टेंट कीज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा, आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कैलकुलेटर यूज़ करना चाहिए। इनकेस अभी भी आपको कुछ भी डाउट है, इससे रिलेटेड आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, या इनफैक्ट अगर आपको कोई फीडबैक भी प्रोवाइड करना है, तो आप प्लीज़ कॉमेंट करिए इसका सेम वीडियो पे। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक से रिलेटेड कॉन्टेंट चाहिए जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, या आपको कोई भी हेल्प चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं वो चीज। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। डू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियो इन केस इफ यू रियली लाइक इट। थैंक यू।